लो लेवल टारगेट के लिए होता है। ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं वेरियस ऑफ्स एंड ट्रेनिंग इक्विपमेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज हम रखे हुए हमारी लाइफ साइज से साइकोलॉजिकल फियर फॉर द थर्स्ट इट रिमूव्स दैट On this important day, we must acknowledge with gratitude the contribution of our predecessors who have helped bring the Indian Air Force to the standards that now 500 फीट तक फ्लाई कर सकता है डे और नाइट दोनों। इसका डे पेलोड भी है नाइट पेलोड भी है। इसका ये कॉम बॉक्स होता है कम्युनिकेशन के लिए और उसका वो टब बुक है जिसमें हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सर्विलेंस इक्विपमेंट है। सब लोगों को पहली बात तो आज 92nd एयरफोर्स डे के ऊपर आप सब लोगों को हार्दिक बधाई हो। आज का हमारा ये स्टैटिक डिस्प्ले और फ्लाइंग डिस्प्ले करने का मेन मकसद है जो लद्दाख का यूथ है चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो उनको मोटिवेट करना कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एयरफोर्स ज्वाइन करें चाहे वो ऑफिसर हो या अग्निवीर हो। दूसरा हमारा ये पर्पस है सारी लद्दाख के नागरिकों को आश्वासन दिलाना कि एयरफोर्स हमेशा तैयार है लद्दाख की सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा के लिए। थैंक यू। ये एयर शो यहाँ पर पहली बार हो रहा है और इसलिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरा लद्दाख का भाई बहन हमारा बेटा बेटी ये देखने का मौका मिला है, नहीं तो दिल्ली में ही देख सकता है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रहा है। दूसरा, ये हमारे यहाँ जो लद्दाख का डिफेंस है उसके लिए भी यहाँ पर आज हमको बताया गया है कि बड़ा कारगर सिस्टम इस एयरफील्ड को डिफेंड करेगा और हमारे सिटी को भी डिफेंड करेगा। यह भी एक बहुत खुशी की बात है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ देख रहा हूँ और आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे देख रहे हैं। और एक बात और जो आज हमको यहाँ बताई गई जो हमारे पास रफाइल है यह 4.5 जनरेशन का रफाइल है। अभी दुनिया में 5वें जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ लोगों के पास हैं हालाँकि वो मैदान में नहीं उतारे गए हैं। तो खुशी हमको इस बात की हुई कि हमारा जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं हवाई जहाज उसमें एक हवाई जहाज ऐसा मैन्युफैक्चर हो रहा है जो कि 5th जनरेशन का। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है कि अपने यहाँ ही हम बेस्ट हवाई जहाज बना रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। आप सबको प्राउड होना चाहिए अपने देश पर, लीडरशिप पर, हमारे जो देश के लीडर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर और सबसे ज़्यादा हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं, हम एयरफोर्स के पायलट हैं जो कि फ्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट को और दुश्मन को दूर रखते हैं, उस पर हमको नाज है। बहुत धन्यवाद।